देश में एक तरफ लोग मेडिकल सामग्री के अभाव में कोरोना से तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देश के नेता लगातार दवाइयों की जमाखोरी कर रहे हैं, जिसके बाद यह नेता आम जनता की मदद करने के बहाने अपनी राजनीति चमकाने की भी कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को मेडिकल माफिया और पॉलिटिशियन नेक्सस मामले में सुनवाई की है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से बीजेपी सांसद गौतम गंभीर, बीजेपी नेता हरीश खुराना और कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी समेत कई नेताओं पर दवाइयों की जमाखोरी का आरोप लग रहा था। लोगों का कहना था, एक तरफ देश की जनता मेडिकल सामग्री के अभाव में दम तोड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ यह नेता अपनी राजनीति चमका रहे हैं। कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली पुलिस और ड्रग जनरल हेल्थ को नोटिस जारी कर जमकर लताड़ा है। कोर्ट ने कहा कि आप दोनों के होते हुए आखिरकार दवाइयों की जमाखोरी कैसे हो गई। कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली पुलिस और ड्रग जनरल हेल्थ को जवाब देने के लिए 24 तारीख का समय दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी नेताओं से जमा की हुई दवाइयों को ड्रग जनरल हेल्थ को वापस करने को कहा है। कोर्ट ने कहा, अगर दवा ड्रग जनरल हेल्थ के पास रहेगी तो हर जरूरतमंद इसका लाभ उठा सकेगा, तत्काल जमाखोरी की हुई दवाइयों को वापस किया जाए।